अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद बुशरा। सो वी वर डिस्कसिंग फिंगर टिप्स लेक्चर फॉर लॉगेट सिलेबस एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ लीगल एथिक्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर फीडबैक। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिस्कशन। अब ये लीगल एथिक्स से क्या मुराद है, तो लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 को अगर आप खोल के देखें तो उसका चैप्टर 12 है जिसके अंदर कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट्स को डिस्कस किया गया है कि एक एडवोकेट का जो रवैया है वो किस तरह का होना चाहिए। इखलाकियात को बेसिकली डिस्कस किया गया है। ये लॉगेट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके सॉलिड हमारे पास जो हैं वो 10 मार्क्स होते हैं और इसका जो टोटल कोर्स है वो तकरीबन 4 पेजेस पर मुश्तमिल है। सो सिंपल सा कोर्स है, अगर आप एक घंटा बैठकर भी इसको आराम से पढ़ेंगे तो आप इजीली इन 10 मार्क्स को कवर कर सकते हैं। अब इन लीगल एथिक्स के अंदर बेसिकली 4 चीज़ों को डिस्कस किया गया है। एक एडवोकेट के एटिकेट्स को डिस्कस करते हुए कहा है कि एक एडवोकेट ने किस तरह का रवैया रखना है, किस तरह के मैनर्स होने चाहिए, किसकी तरफ किस तरह से होना चाहिए। सो 4 चीज़ों को डिस्कस करते हुए कहा है कि एक एडवोकेट का रवैया उसके फेलो एडवोकेट्स के साथ किस तरह का होना चाहिए, फिर जो क्लाइंट उसके पास केस लेकर आ रहा है उसके साथ किस तरह का रवैया होगा, कोर्ट को आपने किस तरह से एड्रेस करना है, कोर्ट के साथ आपका रवैया क्या होगा, एंड लास्टली जनरल पब्लिक के साथ एक एडवोकेट ने किस तरह से बर्ताव करना है, उसका रवैया किस तरह से होना चाहिए। सो अदर एडवोकेट्स के साथ हमारे रूल्स डिस्कस हुए हैं, रूल नंबर 134 से रूल 143 तक ऑलमोस्ट, क्लाइंट के फिर 145 से ऑनवर्ड्स 157 या 158 तक, फिर कोर्ट्स के 159 से ऑनवर्ड 166 तक और लास्ट में 167 से 176 तक ये रूल्स डिस्कस हुए हैं। सो सिंपल से 4 से रूल्स हैं, हम ऑलरेडी इन पर एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिनमें हमने सेपरेट वीडियोस के अंदर इन सेपरेट कैटेगरीज को डिस्कस किया था, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि लॉगेट के हवाले से इन टॉपिक्स में से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो अब जो पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि इस पूरे लीगल प्रैक्टिशनर और बार काउंसिल रूल्स के अंदर वर्ड यूज़ हुआ है शैल, शैल नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट, यानी कि ये सारी की सारी मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है, मेक अ वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है, अगर कहीं पर मे के हवाले से कोई एमसीक्यू दिया होगा तो आपने उस मे के ऑप्शन पे टिक नहीं करना क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेगेटिव रूल्स हैं। जिस नेगेटिव रूल्स से क्या मुराद है कि तकरीबन रूल्स के अंदर नॉट का वर्ड यूज़ करते हुए कहा है कि एक एडवोकेट ये चीज़ें नहीं कर सकता, ये चीज़ें उसके अखलाकियात में नहीं आती। सो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं द कंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट विद रिगार्ड्स टू द अदर एडवोकेट्स, बाकी एडवोकेट्स के साथ उसका किस तरह का रवैया होना चाहिए। सो ये स्टार्ट होता है रूल नंबर 134 से। रूल नंबर 134 क्या कहता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू अपहोल्ड ऑल द टाइम्स, अब ये वर्ड आपने देखना है, डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन एज वेल एज इज ऑन डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग एज अ मेंबर। सबसे पहली बात कि एक एडवोकेट की सबसे बेसिक ड्यूटी क्या है कि उसने ना सिर्फ अपने प्रोफेशन के वकार, उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना है बल्कि एज अ मेंबर ऑफ एडवोकेट उसकी अपनी जो डिग्निटी है उसने उसको भी मेंटेन करना है। सब रूल दूसरा क्या कहता है, एन एडवोकेट शैल नॉट सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट और बाय अदर मीन्स। दूसरी बात की गई है कि एक एडवोकेट जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की तशहीर नहीं करेगा, यानी कि
इश्तहारात नहीं लगाएगा, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, खुद की प्रमोशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, यानी कि जैसे बाकी प्रोफेशंस के लोग हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं कि फलां चीज़ का जो है वो इतना फ़ी चार्ज की जाएगी, फलां ऑपरेशन के लिए इतनी फ़ी होगी, लेकिन एडवोकेट को इस चीज़ से बिल्कुल मना किया गया है, शैल नॉट का वर्ड यूज़ करते हुए कहा है कि एडवोकेट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता किसी भी तरह से कि बेल के केसेस में इतने फ़ी होगी, क्रिमिनल केस की ये फी होगी, सिविल केस की ये फी होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि सिंपली वो अपने विजिटिंग कार्ड्स जो है वो पब्लिश करवा सकता है, लेकिन वहाँ पर भी शर्त रखी गई है कि विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल और एकेडमिक डेटा हो, आपकी क्वालिफिकेशंस उसके ऊपर मेंशन हो, किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते, टोटली आपको प्रोहिबिट किया गया है अंडर रूल नंबर 135। नेक्स्ट आ जाते हैं 136 पर, एन एडवोकेट शैल नॉट इम्प्लाई अदर पर्सन टू ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट नॉर रिम्यूनरेट अनदर पर्सन। अब तीसरे रूल में कहा गया है कि एक एडवोकेट किसी भी दूसरे एडवोकेट को अपने पास महाना तनख्वाह पर नहीं रख सकता, वो उसको अपना एसोसिएट रख सकता है लेकिन वो उसको रिम्यूनरेट नहीं कर सकता, वो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, वो उसको मंथली सैलरी के ऊपर अपने पास एज मुलाजिम नहीं रख सकता, और ना ही वो किसी अनलाइसेंस पर्सन के साथ कोई भी कंपनसेशन जो है वो शेयर कर सकता है, ना ही किसी अनलाइसेंस पर्सन को वो एबेट कर सकता है कि आप कोर्ट के अंदर जाकर अपीयर हो और केसेस को देखो। नेक्स्ट है 137, एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद द अदर पार्टी। सिंपली कि अगर किसी दूसरी पार्टी का वकील मौजूद नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में आप उस पार्टी के साथ किसी भी तरह की केस से मुतालिक या जनरली कोई भी बात नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने ऑपोजिट काउंसिल से उसकी कॉन्सेंट लेनी है, उसके बाद आप उसकी क्लाइंट के साथ जो है वो बात कर सकते हो। नेक्स्ट इज An advocate shall not in the absence of opposing counsel communicate or argue before a judge. अब इस रूल में कहा गया है कि अगर तो दूसरी पार्टी का एडवोकेट मौजूद नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी के अंदर आप जज के साथ केस के हवाले से किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते एक्सेप्ट ओपन कोर्ट के अंदर जहां पर सारे लोग मौजूद हों, और अगर आप उसकी गैर मौजूदगी में किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिकेशन करते हो रिलेटिंग टू दी केस, तो उससे रिलेटेड आपने जो भी बातचीत की है, जो भी एप्लीकेशन कोर्ट में प्रोवाइड की है, उसकी एक कॉपी आप ओपोजिंग काउंसिल को दोगे, लेकिन ये रूल एक्स पार्टी केसेस में अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास, एन एडवोकेट शुड डिक्लाइन एसोसिएशन एज अ कोलीग अनलेस द ड्यूज ऑफ एडवोकेट फर्स्ट रिटेन आर पेड। अगर तो कोई पर्सन आपके पास अपना केस लेकर आया है लेकिन उससे पहले उसने किसी दूसरे एडवोकेट से भी इस केस के ऊपर एडवाइस ली है या उसको भी हायर किया था, तो जब तक उस फर्स्ट एडवोकेट की फी क्लियर नहीं हो जाती, उसके पैसे नहीं मिल जाते उसको, तब तक आप किसी भी पर्सन को असिस्ट नहीं कर सकते, उसकी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारे पास, क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर द लिटिगेंट्स। अब इस रूल के अंदर बताया गया है कि क्लाइंट्स जो हैं वो लिटिगेंट्स हैं, एडवोकेट लिटिगेंट्स नहीं है। सो क्लाइंट के दरमियान जितनी भी इल फीलिंग है, जो भी उनके दरमियान हैट्रेड है, वो एडवोकेट को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, यानी कि उनके कंडक्ट में ये चीज़ शो नहीं होनी चाहिए। वो अपना पर्सनल कंडक्ट जो है वो एडवोकेट के साथ बिल्कुल ठीक रखेंगे, अपोजिट काउंसिल के साथ। ये नहीं है कि क्लाइंट का केस है तो आप क्लाइंट के केस की वजह से अपोजिंग काउंसिल के साथ बदतमीजी स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, नो डिवीजन विद द ऑफी विद द पर्सन फॉर लीगल सर्विस इज प्रॉपर। अब ये प्रॉपर का वर्ड आपने याद रखना है, ये हमेशा लॉ गेट में पूछा जाता है कि अगर कहीं पर दो एडवोकेट्स हैं और वो किसी केस में अपीयर हो रहे हैं, तो उनके दरमियान जो डिवीजन ऑफ फी होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क होगी, कि जिसने जितना काम किया है उसको उस हवाले से पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट है 143, अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, जूनियर एंड यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू द सीनियर एंड एल्डर मेंबर्स। ये हमेशा लॉ गेट के अंदर पूछा जाता है, जितने भी टेस्ट हो चुके हैं
ये वर्ड आपने याद रखना है रिस्पेक्टफुल का, कि जो जूनियर मेंबर्स हैं उनको सीनियर्स की इज्जत करनी चाहिए एंड द सीनियर मेंबर्स शुड बी हेल्पफुल टू देयर जूनियर, और जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको अपने जूनियर्स की हेल्प करनी है। ये वर्ड याद रखना है, सीनियर्स ने हेल्पफुल होना है और जूनियर ने टू वर्ड सीनियर रिस्पेक्टफुल होना है। इसके साथ है लास्ट के when there are more advocate engaged on any side, it is the right of senior member to lead the case and junior member should assist him. जहां पर एक केस के अंदर जूनियर और सीनियर एडवोकेट्स हैं तो सीनियर जो है वो केस को लीड करेगा और जूनियर जो है वो उसको असिस्ट करेगा until and unless सीनियर उसको कहे आगे आने का। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस तमाम रूल्स के अंदर क्या है, हाई स्टैंडिंग और डिग्निटी, जूनियर एंड यंगर मेंबर्स रिस्पेक्टफुल, और जूनियर एंड यंगर मेंबर्स के दरमियान जो लीडिंग और असिस्टेंस वाली बात है ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड कैटेगरी के ऊपर जो कि है कंडक्ट विद रिगार्ड्स टू क्लाइंट। ये स्टार्ट होता है रूल नंबर 145 से। सबसे पहली बात, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट एडवर्स टू द क्लाइंट इन प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द केस, कि एडवोकेट जो है वो क्लाइंट की प्रॉपर्टी या उसके केस के अगेंस्ट कोई भी इंटरेस्ट जो है वो एक्वायर नहीं करेगा। सेकंड, एडवर्स एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है कि यहाँ पर कोई भी एडवोकेट अपने क्लाइंट को छोड़कर ऑपोजिट क्लाइंट की एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाएगा, और साथ ही साथ कहा गया है कि अगर आपका क्लाइंट आपको छोड़ के किसी दूसरे एडवोकेट के पास चला जाता है तो उसने जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसको किसी भी थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं करोगे। नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट विदाउट फर्स्ट डिस्क्लोजिंग हिज रिलेशन विद द एडवर्स पार्टी। अगर कोई बंदा आपके पास अपना केस लेकर आया है और उस पर्सन के अगेंस्ट जो ऑपोजिट पार्टी है उसका किसी भी तरह का कोई रिलेशन है एडवोकेट के साथ, चाहे वो उसका रिश्तेदार है, कोई भी भाई है, चाचू मामू जो भी है, तो सबसे पहले इस एडवोकेट ने अपना रिलेशन डिस्क्लोज करना है अपने क्लाइंट के सामने कि फलां बंदा मेरा रिलेटिव है। उसके बाद अगर वो चाहे तो वो आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट में ले सकता है, अगर वो चाहे तो वो इनकार भी कर सकता है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ड आपने याद रखना है। इससे मुराद क्या है कि एक एडवोकेट जो है वो अपने क्लाइंट के साथ साथ दूसरी पार्टी को जो है उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, यानी कि अगर किसी केस में आप एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो दूसरी पार्टी की सपोर्ट में आप उसी केस में नहीं आ सकते। नेक्स्ट है कि एडवोकेट जो है अगर किसी केस में किसी प्रॉपर्टी की ऑक्शन करवाई जा रही है तो एडवोकेट के लिए प्रोहिबिटेड है कि वो उस ऑक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता, ना तो वो खुद उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है और ना अपने बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को कह सकता है कि वो इस प्रॉपर्टी को खरीदे। नेक्स्ट इज एन एडवोकेट शैल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ हिज क्लाइंट विद हिज ओन, कि एक एडवोकेट अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी के साथ मिक्स नहीं करेगा, और जो भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ऑफ द केस। इसमें कहा गया है कि कोई भी एडवोकेट कमेंसमेंट ऑफ केस के लिए किसी भी पर्सन को एडवाइस नहीं करेगा, यानी कि आप किसी भी पर्सन को नहीं कह सकते मुकदमाबाजी के लिए, उसको अबैट नहीं कर सकते कि तुम फलां एक्ट कर लो, उसके बाद जो कुछ होगा कोर्ट में देखा जाएगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। सो एक एडवोकेट ऐसा कोई भी एक्ट नहीं कर सकता जिससे वो दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करे कि आप केस फाइल करो, आप FIR करो, आप एक्ट परफॉर्म करो। नेक्स्ट इज एन एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट एडवाइज द वायलेशन ऑफ द लॉ। एडवोकेट जो है वो किसी भी पर्सन को लॉ की वायलेशन करने की एडवाइस नहीं करेगा। अगर किसी केस में कोई गुड फेथ के अंदर वो किसी पर्सन को एडवाइस देता है कि फलां लॉ जो है वो इनवैलिड है तो वो अलाउड है, अदरवाइज लॉ की वायलेशन की एडवाइस नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इज कि अगर किसी केस में आपने किसी पर्सन को जो कि एक्यूज्ड है आप उसको डिफेंड कर रहे हो तो आप अपनी पूरी कोशिश करोगे उस पर्सन को डिफेंड करने के लिए, जितने भी फेयर एंड ऑनरेबल मींस हैं उन तमाम मींस को यूज करते हुए जो कि लॉ आपको परमिट कर रहा है, आपने उस पर्सन को जो है वो इंसाफ दिलाना है।
लेकिन ऐसी सूरत में आपने अपना पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल साइड पर रखना है, आपके पर्सनल ओपिनियन को वैल्यू नहीं दी जाएगी। लास्ट है कि आपने फिक्सेशन ऑफ फी किस तरह से करनी है क्लाइंट्स के साथ। तो फी फिक्स करते वक्त आपने कुछ फैक्टर्स को मद्देनजर रखना है, जितना आपका टाइम कंज्यूम होगा, जो लेबर रिक्वायर्ड है, बाकी केसेस को आपने देखना है कि अगर वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं, या फिर कस्टमरी चार्जेस यानी कि बार में बाकी तमाम एडवोकेट्स इस तरह के केसेस के कितना चार्ज कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर आपने अपने क्लाइंट के साथ फी जो है वो फिक्स करनी है। नेक्स्ट है कि एक एडवोकेट कभी भी अपने क्लाइंट्स के लिए विटनेस अपीयर नहीं हो सकता, विटनेस के तौर पर नहीं आ सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसने उस केस में एडवोकेसी को छोड़ना होगा, लेकिन जहां पर एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी है तो फिर वो एज अ विटनेस अपीयर हो सकता है उस केस के अंदर। लास्ट कहते हैं कि अगर किसी दिन कोई एडवोकेट, कोई ऑपोजिट काउंसिल किसी भी अपनी पर्सनल रीजन की वजह से अपीयर नहीं हुआ, तो आप उस एडवोकेट को बाउंड नहीं कर सकते कि इस केस का ट्रायल तो आज ही होना चाहिए, इस हियरिंग में लाजमी कोई ना कोई जो है वो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। सो अगर केस का ट्रायल अफेक्ट नहीं हो रहा तो ऐसी सूरत में आप ऑपोजिट काउंसिल को बाउंड नहीं कर सकते कि वो कोर्ट के अंदर आके केस को फर्दर प्रोसीड करे। सो ये था क्लाइंट्स के साथ एडवोकेट का रवैया किस तरह से होना चाहिए। मोस्टली हमने चीजें पढ़ी हैं नॉट के अंदर कि एडवोकेट ने ये काम नहीं करने, कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करना, प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, वायलेशन ऑफ लॉ की एडवाइस नहीं करनी। उसके बाद आ जाती हैं थर्ड कैटेगरी के ऊपर, ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टूवर्ड्स द कोर्ट, कि कोर्ट के सामने एडवोकेट के क्या क्या फराइज हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। सो ये स्टार्ट होता है रूल नंबर 159 से। सबसे पहली बात, इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू मेंटेन टूवर्ड्स अ कोर्ट अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। सबसे पहली बात कि आपने कोर्ट को जब एड्रेस करना है तो आपने उसको रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड से करना है, आपने कोर्ट को रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत से आपने कोर्ट को पुकारना है। यानी जज के सामने जब आप केस प्रेजेंट कर रहे हो तो आपने पहले उससे परमिशन लेनी है कि मैं केस को प्रोसीड करूं, अगर वो आपको अलाउ करता है तो फिर आप अपना केस लेकर चलोगे। सेकेंड है कि एडवोकेट अगर किसी केस में किसी बंदे की टेस्टिमनी जो है वो बहुत जरूरी है, तो आप उस विटनेस को सिर्फ ये कहकर आप उसको कोर्ट में गवाही देने से नहीं रोक सकते कि अगर कोर्ट ने तुम्हारे खिलाफ कोई फैसला किया तो मैं कोर्ट में तुम्हें सपोर्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी केस में किसी बंदे की गवाही जरूरी है तो एडवोकेट की ये जिम्मेदारी है कि उसने कोर्ट में उस बंदे को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट है, एडवोकेट शैल नॉट इंटेंशनली मिस कोर्ट टू अ जज ज्यूरी द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अपोजिंग एडवोकेट। अब इसमें कहा गया है कि इंटेंशनली आप कोर्ट को मिसगाइड नहीं कर सकते, आपने ना तो विटनेसेस की जो एविडेंस है उससे मुतालिक जज को जो है वो मिसगाइड करना है, ना अपोजिंग एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, ना ही जो लॉ है, जो स्टैट्यूट है, जो बुक में जो चीज़ लिखी हुई है उससे हटकर आप कोर्ट को जो है वो जानबूझकर सिर्फ इस वजह से कि वो आपके फेवर में फैसला सुना दे, आपने मिसगाइड नहीं करना। फोर्थ है, अनयूजुअल हॉस्पिटैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ एडवोकेट टू अ जज। अब इसमें कहा गया है कि अगर किसी कोर्ट में आपका कोई केस लगा हुआ है तो सिर्फ इस वजह से कि कोर्ट आपके फेवर में फैसला दे, आप उसके जज को अनयूजुअल हॉस्पिटैलिटी नहीं दे सकते, यानी कि आप उसको पर्सनली प्राइवेटली उसके घर जाकर उसको दावत पे नहीं बुला सकते, या उसके साथ प्राइवेटली आप केस के मेरिट्स के बारे में डिस्कशन करो। सो ये टोटली प्रोहिबिटेड है कि कोर्ट के अलावा आप जज के साथ केस के मुतालिक कोई भी बातचीत कहीं पर भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट इंगेज्ड इन पब्लिक प्रोसिक्यूशन इज नॉट टू कन्विक्ट बट टू सी दैट जस्टिस इज डन। प्रोसिक्यूशन की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैंने मुलजिम को सजा दिलवानी है, बल्कि उसका मेन फोकस क्या होना चाहिए, फाइल को देखते हुए मेरिट्स ऑफ द केस के अकॉर्डिंग के इंसाफ किस तरह से हो सकता है, सच्चाई क्या है। सो आपने सिर्फ इस बेसिस पर कि सजा दिलवानी है, यह आपका मकसद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर बाय एन एडवोकेट फॉर द पेंडिंग लिटिगेशन। अगर कोई केस कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेंडिंग है तो उससे रिलेटेड कोई भी एडवोकेट किसी भी अखबार के अंदर उस केस की पब्लिकेशन नहीं कर सकता जिससे इंटरफेयर हो सके फेयर ट्रायल के अंदर। नेक्स्ट है कि एडवोकेट की ये ड्यूटी है कि जब कभी भी कोर्ट उससे किसी भी केस के मुतालिक उसको कोर्ट में बुलाए तो वो फौरन कोर्ट के सामने अपीयर हो, रादर के
वो कोर्ट से एडजर्नमेंट मांगे, बल्कि जब कभी भी कोर्ट उसको बुलाए तो उसके लिए जरूरी है कि वो कोर्ट के सामने आकर अपने केस से रिलेटेड जो भी आर्ग्यूमेंट्स है कोर्ट को असिस्ट करे अपनी फाइल से रिलेटेड। नेक्स्ट है, एन एडवोकेट शुड इन जनरल रिफ्रेन फ्रॉम वॉलंटियरिंग हिज लीगल ओपिनियन। अब इसमें कहा गया है कि अगर आप कोर्ट के सामने कोई केस प्रेजेंट कर रहे हो, अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हो, तो आपने अपने पर्सनल ओपिनियन को बिल्कुल साइड पे रखना है। आपके पर्सनल ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं होगी, बल्कि जो चीज फाइल के अंदर मौजूद है आपने फाइल में मौजूद चीजों से जज को असिस्ट करना है केस से मुतल्लिक, और अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना कि मुझे लगता है कि इस केस में यूं होना चाहिए, इस केस में ये हो सकता है। सो ये कुछ रूल्स थे कि एक एडवोकेट के कोर्ट की तरफ क्या क्या ड्यूटीज हैं, कोर्ट की तरफ उसका रवैया कैसा होना चाहिए। सो मेन चीज क्या है, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। उसने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो केस के फेयर ट्रायल के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा हो। सो उसके बाद आ जाती हैं लास्ट कैटेगरी के ऊपर, जो कि है कंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट विद रिगार्ड्स टू द जनरल पब्लिक। अब पब्लिक के साथ उसका कैसा रवैया होगा, रूल नंबर 168 से स्टार्ट होता है। सबसे पहली है, Shall not accept the employment for the purpose of harassing anyone. Advocate कभी भी ऐसी कोई भी employment accept नहीं करेगा किसी भी केस के अंदर, चाहे वो prosecution side से है या defense side से है, जिसका main purpose सिर्फ और सिर्फ किसी second person को harass करना हो। तो जहां पर किसी person की harassment की नीयत है तो आप उसका case जो है वो accept नहीं करोगे। Secondly, should always treat the adverse witness and parties with fairness and due consideration, के opposite party जो भी अपने witnesses लेकर आ रही है उसके साथ आपने बिल्कुल respectful attitude के साथ आपने उससे बातचीत करनी है, आपने उससे सवालात करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि भाई ये मेरे client के opposite हैं तो client की लड़ाई में आप उन witnesses के साथ जो है वो अपना रवैया खराब कर दो, या आप उनसे लड़ाई झगड़ा, उनसे बदतमीजी करना स्टार्ट कर दो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वही बात जो हमने फर्स्ट की कि एक एडवोकेट के पास अगर कोई केस आता है जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे पर्सन को हैरेस करना है तो वो ऐसे, या फिर ऑपोजिट पार्टी को इंजर करना है तो वो ऐसे केसेस लेने से इनकार कर सकता है। अब चाहे वो सिविल केस है या क्रिमिनल केस है, किसी को डिफेंड करना है या प्रोसिक्यूशन साइड से है तो वो इनकार कर सकता है। नेक्स्ट है, No advocate is obliged to act as an advisor for every person who wishes to become his client. अब इसमें कहा गया है कि एडवोकेट के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास जो भी बंदा एस क्लाइंट आ रहा है आपने उसका केस लेना है, उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है, बल्कि अगर आपको लगता है कि कोई क्लाइंट जो है वो आपके बताए हुए क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहा, आपके अकॉर्डिंग वो फी नहीं दे सकता, सो आप इनकार कर सकते हो उसकी एम्प्लॉयमेंट में आने से, उसका केस लेने से आप इनकार कर सकते हो। इसके ऊपर कोई भी कदगन नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी ड्यूटी बाउंड नहीं है, आपको पाबंद नहीं किया गया, सो आप फ्री है इस चीज के अंदर, आप इंडिपेंडेंट है, आप इनकार कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल के अंदर बहुत ही लेंथी सा है, लेकिन इसमें सिंपली बात क्या की गई है कि कोई भी क्लाइंट या कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो जितना भी पावरफुल हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो लॉ के साथ लॉयल होना चाहिए। कोई भी एडवोकेट किसी भी क्लाइंट को ये एडवाइस नहीं दे सकता कि आप लॉ के साथ डिसलॉयल हो जाओ, आप लॉ को मानने से इनकार कर दो। सो ऐसी कोई भी एडवाइस एडवोकेट की तरफ से नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है कि एडवोकेट अगर किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने अपीयर हो रहा है, किसी पब्लिक बॉडी के सामने जा रहा है, उनसे कम्युनिकेट कर रहा है अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अपने आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करेगा कि मैं एक एडवोकेट हूं और मैं फलां के चीज़ के सिलसिले में आपसे यहां पर कम्युनिकेट करने आया हूं। नेक्स्ट है हमारे पास, एन एडवोकेट शुड नॉट एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट इन एनी मैटर विच ही हैज़ प्रीवियसली एक्टेड इन जुडिशियल कैपेसिटी। अब इसमें कहा गया है कि अगर कोई एडवोकेट जिसने पहले कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है या किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो था, अपनी रिटायरमेंट के बाद वो उस एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, ना ही वो इस तरह की एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद है, नो एडवोकेट विल यूज हिज प्रीवियस डेजिग्नेशन और पोस्ट सच एज रिटायर्ड एक्स जज। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर तो एक जज है वो रिटायर हो चुका है और दोबारा से उसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, तो अब वो अपने नाम के साथ अपना प्रीवियस डेजिग्नेशन यूज नहीं करेगा। यानी कि आप ये नहीं देख सकते रिटायर्ड जस्टिस, एक्स जज, रिटायर्ड जनरल, एक्स अटॉर्नी जनरल, एक्स एडवोकेट जनरल। सो ऐसी कोई भी चीज आप ना तो अपने नाम के साथ यूज
यूज कर सकते हो, ना अपने विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर और ना जो आपके ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा है उसके ऊपर आप ये चीजें लिख सकते हो। नेक्स्ट है, नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले आउटसाइड हिज ऑफिस। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ गेट के हवाले से, बोर्ड साइज, कि एक एडवोकेट अपने ऑफिस के बाहर जो अपना बोर्ड लगाएगा, जो अपना नेम प्लेट लगाएगा, उसका साइज कितना होना चाहिए। सो आपने याद रखना है, इट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 into 2। ये साइज होना चाहिए। 1.5 से 2 feet का बोर्ड वो लगा सकता है, इससे ना तो बड़ा और ना ही छोटा बोर्ड वो अपने ऑफिस के सामने डिस्प्ले कर सकता है। नेक्स्ट है, एन एडवोकेट शैल नॉट ज्वाइन और कैरी ऑन अदर प्रोफेशनल बिजनेस और सर्विस। अब ये कहा गया है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडवोकेसी आप किसी भी और प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप कोई भी और अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते। अगर आप कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने अपने इस एडवोकेसी के लाइसेंस को सस्पेंड कराना होगा, उसके बाद आप किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो, किसी भी ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, नॉन ऑब्जर्वेंस और वायलेशन ऑफ कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब इसमें कहा गया है कि अभी तक हमने जितने भी रूल्स को डिस्कस किया है, अगर कोई एडवोकेट इन रूल्स की वायलेशन करता है तो वो लायबल होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए और उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। इसके साथ जो लास्ट रूल है वो कहता है कि नॉन ऑब्जर्वेंस और डिसीजन और इंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल बाय एनी बार काउंसिल, के पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो भी हदायत दी जाती हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, अगर किसी भी बार काउंसिल का कोई भी मेंबर्स उनकी वायलेशन करता है तो उस सूरत में वो लायबल होगा ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए। अब ये वर्ड आपने याद रखना है, इन रूल्स की वायलेशन करेगा तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगी, पाकिस्तान बार काउंसिल के बताए हुए रूल्स की वायलेशन करेगा तो वो ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। सो ये लीगल एथिक्स के हवाले से कुछ रूल्स थे जिनको हमने डिस्कस किया है। लॉ गेट के एमसीक्यूज के हवाले से हमने 4 categories को डिस्कस किया है और उसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको हाईलाइट करवा दिए हैं। अब आप अपने नोट्स खोलकर एक बार अगर रीडिंग कर लेते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।